हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप सीएससी वैली है, सीएससी सेंटर चलाते हैं, तो अपना सीएससी सेंटर में पोस्ट ऑफिस का रूप देना चाहते हैं दोस्तों, तो कैसे दे सकते हैं। पिछला वीडियो में आपको बताए थे पोस्ट ऑफिस से जो न्यूज निकल कर आया था दोस्तों, अब सीएससी वैली स्पीड पोस्ट का काम कर सकते, रजिस्ट्रेशन कर सकते, उसका डिजिटल सेवा पोर्टल से सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उसमें ये नहीं बताया गया था सीएससी वैली स्पीड पोस्ट का तो काम करेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, आईडी पासवर्ड अप्रूवल आपको कैसे मिलेगा। दोस्तों, आज का वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगा किस तरह आपको रजिस्ट्रेशन करना है और लिंक कैसे मिलेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा और कितने टाइम में आपको अप्रूवल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप यहां आपको देख सकते हैं दोस्तों, सीएससी वैली के लिए ए लिंक जारी किया गया है, जो आपको यहां पे दिखाई देगा, वेलकम टू सीएससी डाक मित्र पोर्टल। ये लिंक आपको कहां मिलेगा दोस्तों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करने के बाद आपको इस वाला लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से क्लिक करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा आगे कंटिन्यू विद कनेक्टेड, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले सीएससी वैली ऑप्शन वाला ऑप्शन में क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको कंटिन्यू का ऑप्शन में क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको इस तरह से एक फॉर्म खुल के आएगा, जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपका नाम दिखाएगा, उसके बाद सीएससी आईडी, उसके बाद आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, यहाँ पे आपका स्टेट दिखाएगा, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है फैसिलिटी डिस्टेंस, मानी आपका सेंटर से जो आपका नज़दीकी सी पोस्ट ऑफिस होगा दोस्तों कहाँ होगा, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। इसे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे नीचे आ जाएगा पोस्टल कोड आ जाएगा दोस्तों, जो आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों। उसके बाद आपको प्रोसीड का ऑप्शन में क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लेगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों पीओ कोड सक्सेसफुली लिंक सीएससी आईडी, यानी आपका सीएससी आईडी से लिंक कंप्लीट हो चुका है, जो आप यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों। उसके बाद आपको करना क्या, टोटल बुकिंग आपको कितना बुकिंग किया है अभी तक, ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ दोस्तों, तो जब आप काम करना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों, तो अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा टोटल बुकिंग, उसके बाद टू डे बुकिंग, उसके बाद टोटल अमाउंट आप कितना का ट्रांजेक्शन करेंगे, तो सब कुछ आप यहाँ पे डिटेल्स में देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, बुकिंग करने के लिए आपको इस वाला ऑप्शन में क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिंक खोल के आएगा, जो आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको एंट्री और नेम जिसके नाम से होगा दोस्तों, उसका नाम डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे, स्टेट डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, फुल एड्रेस डाल देंगे, रिसीव कौन करेगा दोस्तों, सेंड कहाँ करना है दोस्तों, इसको भेजना कहाँ पे है, उसका सब कुछ कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे। ट्रैफिक वाला ऑप्शन में क्लिक करना होगा, ठीक है। इस तरह से आप भी बुकिंग का काम कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप जैसे बुकिंग कंप्लीट हो जाए दोस्तों, कितना बुकिंग किया आप हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको बुकिंग सेक्शन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा टाइम डेट यहाँ पे, उसके बाद जैसे आप स्टार्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल्स में दिखा देगा कितना ट्रांजेक्शन के, तो आप इतना सब कुछ डिटेल्स में देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको भी अपना सी एस सी आई डी से डाल के, पासवर्ड डाल के डिजिटल सेवा पोर्टल से इंडियन पोस्ट ऑफिस के लिए आपको आवेदन कर देना है, आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो भी काम होता है दोस्तों, आपको इजी प्रोसेस से मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए नए अपडेट इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।